हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज एक कंपनी लेके आया था, विप्रो लिमिटेड। इसमें चार्ट पे एक अच्छा पैटर्न बना था, तो सोचा कि यहाँ पे आप लोग को वॉच करना चाहिए, क्योंकि इसने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया अभी। और वॉल्यूम भी देखेंगे तो देखिए, जहाँ 77 लाख 52 लाख हो रहा था, अभी 1 करोड़ की वॉल्यूम से ट्रांजेक्शन चालू है इसमें। और अच्छा खासा इसने 346 मतलब 10 पॉइंट के साथ अपने रिस्ट्रिक्टेड लेवल को क्रॉस किया है। अगर मैं कहीं पे भी दिखाऊं तो विप्रो, एक बार विप्रो के बारे में जान लें तो विप्रो लिमिटेड इज लीडिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस कंपनी। वी हार्नेस द पावर ऑफ कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, हाइपर ऑटोमेशन, रोबोटिक, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिस्ट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू हेल्प आवर क्लाइंट्स अडॉप्ट टू द डिजिटल वर्ल्ड एंड मेक देम सक्सेसफुल। ए कंपनी रिकॉग्नाइज ग्लोबली फॉर इट्स कंप्रेसिव पोर्टफोलियो ऑफ सर्विस, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। और इसमें आप देखेंगे तो एक इसके एनालिस्ट को देखेंगे तो प्रमोटर स्टेक हैज इंक्रीज, प्रमोटर इसमें स्टेक भी बढ़ाए हैं। ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल को देखें तो हाई बनाया था 348 का, और हाई बनाने के बाद आज जो चल रहा है आपको वही हाई पे चल रहा है जो हाई बनाया था इसने। तो कल का ही जो हाई था वो एक बहुत बड़ा हाई है। और अब देखेंगे तो अब इसमें स्टॉक की पी जो है 18 बता रहा है। इसके पास डिविडेंड भी देती है 0.29%, सेल्स ग्रोथ 5% से है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा 19% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स मिल रहा है, कैश टू प्राइस 18 टाइम्स मिल रहा है, इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट इसके पास डेप्ट है 13,901 करोड़, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 17 टाइम्स। ये कंपनी थोड़ा ऐसा अच्छी तो दिखती है, कोई कंपनी खराब नहीं है। लेकिन अगर इसमें एक रिसेंट न्यूज भी आया है कि विप्रो अनाउंस 1:3 बोनस शेयर, ये 18 जनवरी को शाम को आया है, मार्केट बंद होने के बाद आया है। इश्यू ऑफ बोनस इक्विटी शेयर इन द प्रोपोर्शनेट ऑफ 1:3, जिसके पास 3 शेयर होगा उसको 1 शेयर दिया जाएगा। ये एक विप्रो ने अनाउंसमेंट किया है। तो ये अनाउंसमेंट के पास अगर मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग के परसेंट एक चीज बताऊं, इसका गेन देखिए, 1 वीक हो, 1 मंथ हो, YTD हो, सब में आपको गेन कंटिन्यूअस ग्रीन दिख रहा है। शेयर होल्डिंग में आपको दिखाऊं तो शेयर होल्डिंग में प्लीज कुछ भी नहीं है। और मिस्टर अजीम प्रेम जी का 20% 19.96% होल्डिंग है, प्रमोटर का 74% स्टेक है, और इंश्योरेंस कंपनियां भी है इसमें, DIs भी हैं अच्छे खासे हैं, LIC है इसमें। और FI की बात करूँ तो 612 FI 8.45% के साथ है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा गया है, तो अच्छी कंपनी एक दिखती है ये। और अभी इसने सारे लेवल को क्रॉस किया है, और मैं इसको अगर आपको चार्ट पे दिखाऊं विप्रो को तो मुझे क्या अच्छा लगता है वो देखिए। इसने इस लेवल के रेसिस्टेंस को देखिए, ये जो लेवल था यहाँ पे 341 के लेवल को क्या सॉलिड यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस करके ये आगे निकला है, और मार्केट में उसके बाद बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हुआ है। और इसने 346 इसने जो बनाया था 347.50 का हाई बनाया है। तो ये अब अपने हाई टाइम पे हाई है, मतलब ये सबसे हाई टाइम पे इसको शो हो रहा है, इसका हाईर टाइम पे अभी चल रहा है, ये नो स्काई जोन में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अभी हाई बनाएगा, और लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि इस पर इसलिए वॉच लिस्ट रखिए आप इस पर कि क्या करता है ये। अगर ये 350 तोड़ता है तो फिर आपको 375 तक देखने को मिल सकता है इसमें। और बुलिशनेस पैटर्न जो है इसका, अगर मैं आवरली बेसिस पे भी देखूं तो थोड़ा यहाँ पे जा कर के लास्ट में आप देखेंगे तो एक मिनट यहाँ पे से अगर मैं इसकी बात करूँ 18 तारीख का आवरली बेसिस पे, ये 18 को ये ऐसे करते हुए पैटर्न ऊपर की ओर जा रहा है, एक लास्ट में एक थोड़ा सा रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रेड कैंडल बना है। तो अगर ये अपने 344 को तोड़ता है लो जो यहाँ पे स्पाइक था,
तो फिर थोड़ा सा आप कॉशियस पोजीशन रखिएगा, या इसके लो 342 को तोड़ता है तो 342 के स्टॉप लॉस से चाहें तो आप इसमें बाइंग पोजीशन पे बने रह सकते हैं। अभी ये आपको सिर्फ 46-47 रुपया है का हाई बनाया है, तो 342 के आप स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग पोजीशन पे रह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसने तोड़ा है, अच्छा लेवल को तोड़ा है और बार बार वो इसको रेसिस्टेंस आ रहा था इस लेवल से, ये देखिए यहाँ पे भी जाके ये गिरा था, यहाँ पे भी गिरा था, तो इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और ये पहली बार आपको खुद दिख रहा होगा ये अच्छा खासा क्रॉस किया है। और अगर मैं इसकी वीकली पैटर्न को भी बताऊं तो सारे चीज़ आपको अच्छे दिखेंगे। इसके वीकली में भी देखिए इस लेवल से, वीकली जो इसका 335 का लेवल था जो हर वीकली लेवल पे ये क्रॉस कर रहा था, उसको भी क्रॉस करते हुए आज अभी ये 342 के लेवल को है। तो चाहें तो आप अपने स्टॉप लॉस को वीकली लेवल पे भी 335 का भी लगा सकते हैं। तो 335 का भी वीकली जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है जहाँ से ये टच करके गिरता है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो एक अच्छा पोजीशन पे खड़ा है अभी, और आप देखेंगे वीकली लेवल पे इसको 341 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, एकदम हाई पे जा रहा है। बट अब थोड़ा सा पोजीशन हो सकता है कि ऑलरेडी मार्केट में इसको बोनस शेयर के बारे में किसी को मालूम हो तो पोजीशन पहले बना लिया हो, तो हो सकता है गिर भी जाए। तो आप इस पर थोड़ा कॉशियस पोजीशन, लेकिन वॉच लिस्ट पर जरूर स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाएं जो भी बनाएं। और यहाँ पे 327 का मिड पोजीशन आता है जहाँ से ये उठा है, तो 325-327 बहुत अच्छा लेवल, लेकिन इतना लेवल नहीं जाए गिरेगा, ये गिरना होगा। तो ये जो है लेवल लो इसका 335 के आसपास ही आप बनाइए इसको, 333 है तो 335 का स्टॉप लॉस से आप इसको बाइक पोजीशन पे इसमें जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 360 की ओर जा सकता है, 375 भी बना सकता है। तो विप्रो में एक अच्छा पोजीशन है, और विप्रो का अगर सब चीज़ पॉजिटिव है, 53% बाइंग सेंटीमेंट है, पी रेशियो 20 है, बुक वैल्यू 3.25 है, डिलीवरी परसेंटेज देखिए 29-30% चल रहा है, तो अभी तो हाई पे है, तो देखिए नया हाई बना सकता है ये। और 1:3 का जो बोनस शेयर अनाउंसमेंट हुआ वो भी है इसमें, अगर मैं इसके फाइनेंशियल तो आपको बता ही दिया, फाइनेंशियल में इसके पास अभी जो बता रहा है 4,720 करोड़ का यहाँ पे टोटल डेब्ट बता रहा है। दिसंबर का जो प्रॉफिट आया है इसका आप देखेंगे, दिसंबर का प्रॉफिट 12 लास्ट क्वार्टर से अच्छा आया हुआ, 12,000 के आसपास ही आया है प्रॉफिट, 2,000 की जगह 2,600 आया हुआ है, 1600 से 2,500 का प्रॉफिट आया हुआ है स्टैंड अलोन देखें तो। और कंसोलिडेटेड भी देखें तो वही है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज देखें सितंबर में 76-76-76 ही रह रहा है अदराई। और म्यूचुअल फंड स्कीम में देखें तो ICICI के पास है, ICICI पोर्टल ETF है, ICICI है, और इसका अगर टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग देख लेते हैं एक बार, तो टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग में जो है JP Morgan के पास है 2.24%, अभी जीरो हो गया है लगभग। और लाइफ ICICI पोटेंशियल के पास है टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग मोर देन 1% के पास, ट्रस्ट होल्डिंग में अजीम प्रेम जी के पास 4.3, अजीम प्रेम जी के पास 16%, वसीम ए प्रेम जी पॉइंट, अजीम ट्रेडिंग जो अजीम प्रेम जी इसमें मेल है। अगर मैं यहाँ पे इसके कॉर्पोरेट एक्शन को देखूं तो डिविडेंड एक बार देख लेते हैं इसका डिविडेंड, ये भी डिक्लेयर किया अभी 18 जनवरी, इफेक्टिव डेट है 29 जनवरी का, 1 रुपया का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया इन्होंने 18 तारीख को, जो उसमें अनाउंसमेंट हुआ उसमें 50% डिविडेंड, 1 रुपया का इंट्रीम डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है उसमें। इसके पहले 11/1/18 को इन्होंने 1 रुपया का इंट्रीम डिविडेंड 50% किया था, लास्ट ईयर भी 100% इन्होंने किया था इंट्रीम डिविडेंड। अगर बोनस शेयर की बात कर बोनस शेयर की बात करें तो ये अभी 1:3 का दिया था, इसके पहले इन्होंने 1:1 का दिया था, इसका भी रिकॉर्ड डेट नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक 18/1/19 इसका रिकॉर्ड डेट नहीं आया, तो आपके पास हर 3 शेयर पे 1 शेयर आपको बोनस दिया जाएगा,
तो अब ये ध्यान रखें, ये एक अच्छा है। तो विप्रो पे आप चाहें तो आप पोजीशन को देख सकते हैं। विप्रो एक अच्छी कंपनी, आईटी सेक्टर की कंपनी है, और चार्ट पे कोई फाइनेंशियल भी ख़राब नहीं है, फाइनेंशियल भी अच्छा शो कर रहा है, और चार्ट पे भी पैटर्न जो है अभी ब्रेकआउट दिख रहा है चार्ट पे। तो हर तरह से विप्रो अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे चार्ट पे भी आपको डेली पैटर्न पे देख लीजिए, मंथली पे भी देखें तो अच्छा ही दिख रहा है। ये सब सारे लेवल को तोड़ के इस बार ये क्रॉस हुआ है। तो आप 335 के स्टॉप लॉस से चाहें तो विप्रो पे पोजीशन चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपको 360-375 के लेवल की ओर दिखा दे आपको। इसी पे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था। कोई भी पोजीशन मार्केट में पहले बनाने से पहले आप खुद इस पे स्टडी करें, देखें, सोचें, और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इस पे कोई पोजीशन डायरेक्ट बनाएं। डायरेक्ट मार्केट में इस पोजीशन मेरी बनाने की एडवाइस नहीं है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग है, ये एजुकेशनल पर्पज से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।